अगर मैं मूड, अगर सोनी का मूड क्या होता है? फ्लैश मूड, वॉल्यूम डाउन। सोनी का फ्लैश मूड क्या होता है? वॉल्यूम डाउन। और एलजी का फ्लैश मूड क्या होता है? वॉल्यूम अप। सैमसंग में एक फ्लैश मूड बताओ? सैमसंग में फ्लैश मूड नहीं, डाउनलोड मूड होता है। वेरी गुड, डाउनलोड मूड होता है। और अगर मीडियाटेक में क्या होता है? फ्लैश मूड होता है। क्या क्या हो सकता है? वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, या दोनों, या कुछ भी नहीं? दोनों कुछ भी नहीं। यहाँ पर मेरे साथ बताओ कि अगर एसपीडी में फ्लैश मोड क्या होगा? एसपीडी फ्लैश में वॉल्यूम अप नहीं तो वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन। वेरी गुड। कॉलकम में फ्लैश मोड क्या होगा? वॉल्यूम अप और डाउन, आइडियल केबल और टेस्ट पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों मेरे साथ में एक स्टूडेंट, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र है। और कहाँ से आए हो आप? से सो आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्लास अटेंड किया प्लस हार्डवेयर में। आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर मीडियाटेक का मोबाइल है तो फ्लैश फाइल क्या मिलेगा? मीडियाटेक का मोबाइल है तो फ्लैश फाइल में आपको स्कैटर मिल सकता है। स्कैटर फाइल किस किस टूल के साथ पे कनेक्ट कर सकते हैं? स्कैटर फाइल हमको पहले तो एसपी फ्लैश टूल, दूसरी में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो स्कैटर, आपने कोई स्कैटर फाइल को डाउनलोड कर रहे हो तो फाइल को डाउनलोड करते समय क्या चीज देखनी है आपको? उसमें बाइनरी नंबर देखना है। अगर आपने गलत बाइनरी नंबर ले लिया तो क्या हो सकता है? फोन डेड हो सकता है। अगर मान लीजिए फिर भी आपको पता है कि बाइनरी नंबर नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या आप कर सकते हैं? उसमें प्रीलोडर वाली आप ऑप्शन को यूज, आपको पता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर मैं एसपी टूल से फ्लैश कर रहा हूँ, कौन से मोड पे मेरा आईएमई जा सकता है? फॉर्मेट प्लस, अगर डाउनलोड हम क्लिक करेंगे तो हमारा आईएमई क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अगर आईएमई चला भी गया तो हम कौन से टूल से बना सकते हैं? एसएन राइटर टूल के लिए कौन सी फाइल की जरूरत है? बीपी। अगर मैं किसी फाइल को रीड करता हूँ मेडिकल से तो मुझे एपीओ बीपी फाइल मिलती है क्या? नहीं मिलता फॉर्म में। अगर एक मेडिकल किन दो फॉर्मेट में एक मीडियाटेक के फाइल को रीड कर सकता है? बिन। वेरी गुड। सो अगर ये ऑप्शन भी देता है कि स्कैटर में देना है कि नहीं देना है। एक मीडियाटेक हो गया, कोई सा भी फोन हो गया, कितने मोड होते हैं? फ्लैश मोड। एंड्रॉइड मोड के अंदर कितने मोड होंगे? फास्ट बूट। अगर मैं बात करूँ मुझे फ्लैशिंग करना है तो कौन से मोड पे यूज करना पड़ेगा? अगर डेड हो गया तो, क्योंकि मेरा एंड्रॉइड मोड काम नहीं करेगा। सो स्कैटर फ्लैश मोड पे यूज होता है। फ्लैश मोड क्या हो सकता है? एंड्रॉइड का एमटीके का फ्लैश मोड हो सकता है, या तो कुछ भी दबा के सीधा करने का एंड्रॉइड, या तो वॉल्यूम अप के साथ, या वॉल्यूम डाउन के साथ, या तो दोनों के साथ। अच्छा, हम बात करते हैं सोनी के मोबाइल में फ्लैश फाइल क्या आएगी? एफटीएफ। वेरी गुड। एलजी में क्या फाइल आएगी? और अगर मैं बात करूँ सैमसंग में? एमआई में। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं आईफोन में? आईफोन में क्या आएगा? आईपीएसडब्ल्यू। कौन से टूल से करना है? कॉलकम में कौन कौन सी फाइल आ सकती है? जैसे एमबीएन नहीं आई तो दूसरा कौन सा आ सकता है? दूसरा आ सकता है एक तो एनबी जीरो। वेरी गुड। और एनबी जीरो आ सकता है, और कौन सा आ सकता है? फास्टबूट। तो अगर दोनों से कैसे फ्लैश करना है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आपसे ड्राइवर कैसे मैन्युअली अपडेट करना है, एडीबी के ड्राइवर, फास्टबूट के ड्राइवर कैसे अपडेट करना है, यूएमडी कैसे चलाना है, मेडिकल कैसे चलाना है, जैत्री है, सैमसंग को रूट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? और फिर सुपर टू इंस्टॉल। TWRP क्या है? क्या मतलब वो फोन में क्या चेंज कर देगी? और वो रिकवरी से हम कौन सा इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन? सुपर टू, जिससे हमारा फोन में क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। वेरी गुड। कैसा लगा आपको पढ़ के यहाँ पर? सर हमको बहुत अच्छा लगा है, और जो स्टूडेंट इस फील्ड में घुसना चाहते हैं या तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो आपने जरूर पढ़िएगा, आपको लाइफ में करियर में बहुत अच्छा मिलेगा। वेरी गुड। और यहाँ पर तो तुम वापस फिर से आओगे ईएमसी क्लास के लिए, क्या सोचा है तुमने उसके लिए? सर ईएमसी पढ़ने के बाद हम ईएमसी पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा तुम्हें, और आशा करता हूँ ऐसे ही कि तुम बहुत आगे बढ़ो। और थैंक यू यहाँ पे एशिया टेलीकॉम को चुनने के लिए और विश्वास रखने के लिए कि एक महीने में आप यहाँ पर सीख सकते हैं। सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। शुरू के दो दिन में कैसा फील हुआ था जब आए थे? तो सर थोड़ा कंफ्यूज था, दो दिन के बाद सब समझ में आ गया। और तीसरे दिन में तो आपने, जब मैंने आपसे फीस भी नहीं ली थी तो तब तक आपको कितनी नॉलेज हो गई थी? उसमें
कॉम्पोनेंट का 90% नॉलेज हुआ था, पैरेलल सीरीज कॉम्पोनेंट आईफोन लेवल तक, और ट्रेसिंग का भी मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साल से मैंने काम किया है दुकान पे, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और आपसे सर मुझे दो दिन में ऐसा पता चला कि अब मैं बहुत फुल मैकेनिक बन चुका हूँ। बन सकते हैं, और ट्रेसिंग आपको समझ में आई है? तो मतलब पहले भी सीखा है सर कहीं पे, तो बस मोबाइल का कॉम्बो वोम्बो और ये सर स्पीकर चेंज करना सिखाया था, पर यहाँ जब हम चला कॉम्पोनेंट चेंज भी कोई चीज होता है उसको भी टेस्टिंग किया जाता है और चेक किया जाता है। सर तुमने इससे पहले कभी सर्किट बनाया था क्या? ऐसे कभी नहीं बनाया, और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया, उसका ट्रेस किया, सीरीज पैरेलल, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी। 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला सर। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें सिर्फ बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, 10 तारखे लॉन्च झालेला आहे। तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसर टेलीकॉम सर्च करें, एसर टेलीकॉम लिखें, और एसर टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.